दोस्तों आज हम वेब 3.0 के पांच ऐसे क्वाइन के बारे में बताएंगे जिसे आप होल्ड करके रख सकते हैं और फ्यूचर में ये आपको एक अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जिस तरीके से मेटावर्स का सीजन चला, उसके बाद मेटावर्स और गेमिंग क्वाइन का मेटावर्स गेमिंग क्वाइन का सीजन चला, उसके बाद अब वेब 3.0 का सीजन चलने वाला है और इसमें बहुत सारे क्वाइन हैं। मैं आपको पांच ऐसे क्वाइन बता रहा हूं जो आपके रेंज में हैं, उसे आप बाय कर सकते हैं, बहुत कम रेट पे अवेलेबल हैं और जैसे ही इसके रेट बढ़ने की उम्मीद है उसे आप सेल करके एक अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करें, जिस क्वाइन की हम बात करेंगे वो है FOAM फॉर्म। इस ये क्वाइन जो है ये अभी चल रहा है $0.055 और इसे आप इसी यहीं पे बाय कर सकते हैं या इसे $0.05 पे भी इसे आप बाय कर सकते हैं। इसका एक चार्ट देख सकते हैं, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये नीचे कहाँ तक गया है, ये नीचे गया है 0.52 पे गया है और अभी क्या चल रहा है 0.55, तो 0.52 ये अभी बाई जोन में है, इसे आप बाय कर सकते हैं क्योंकि अब उम्मीद है कि मार्केट उठेगी ही। और इसका मार्केट रैंक देख सकते हैं, मार्केट रैंक इसका है हैज़ 898 इसका मार्केट रैंक है। और इसके मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप जो है 1,78,00,000 इसका मार्केट कैप है। तो इसका ये कहाँ कहाँ अवेलेबल है इसकी बात करें तो ये आप देख सकते हैं यूनिस्वैप पे, सीबा स्वैप पे, ये आप इसे ट्रस्ट वॉलेट से बाय कर सकते हैं और इस तरीके से जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो ये सीबा स्वैप और पोलोनिक्स यूनिस्वैप आपको मिल जाएगा वहाँ पे, सीबा स्वैप भी मिल जाएगा ट्रस्ट वॉलेट में। लेकिन ट्रस्ट वॉलेट में ख़रीदने में एक प्रॉब्लम ये है कि अगर आपके पास इथेरियम है तो ठीक है, आप बाय कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास इथेरियम नहीं है तो फिर जब आप कहीं से भी इथेरियम को ट्रांसफ़र करेंगे ट्रस्ट वॉलेट में तो आपका एक अच्छा खासा अमाउंट चार्ज कर जाएगा उसे वहाँ ट्रस्ट वॉलेट पे ले जाने के लिए। अगर आप में से किसी को मालूम है कि इथेरियम हम ट्रस्ट वॉलेट में कैसे कम से कम चार्ज में पहुँचा सकते हैं तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा, हम उसका एक वीडियो बना देंगे जिससे कि आप सभी आप जो नहीं जान रहे हैं वो भी आसानी से कम रेट में ट्रांसफ़र कर पाएंगे। मुझे अभी तक ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिला है कि कम रेट पे, कम चार्जेस पे इथेरियम को ट्रांसफ़र किया जा सके ट्रस्ट वॉलेट या डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे। तो यहाँ से आप बाय कर सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा आपको महंगा पड़ जाएगा, इतना ज़्यादा चार्ज पे करना पड़ जाएगा, तो वेट कर सकते हैं गेट आईओ या इस तरीके के एक्सचेंज पे आने का। ठीक है, अगले क्वाइन की बात करें तो अगला क्वाइन जो है वो बैंड प्रोटोकॉल है। ये आपका चल रहा है $5.88 जो कि करीब करीब $10-12 तक ये गया था और ये अभी बाइंग जोन में है, इसे आप बाय कर सकते हैं $5 से लेके अभी जो रेट चल रहा है इस रेट पे इसे आप बाय कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं ये अभी कहाँ तक नीचे गया था, ये गया था 1D के चार्ट पे $5.54 तक नीचे गया था, तो इसे $5 तक का भी वेट कर सकते हैं लेकिन उम्मीद नहीं है वहाँ तक आने की क्योंकि मार्केट बढ़ रहा है। मार्केट रैंक की बात करें तो 311 मार्केट रैंक है और मार्केट कैप की बात करें तो 20 करोड़ 28 लाख इसका मार्केट कैप है। और ये कहां कहां मिल जाएगा आपको, ये आपको मिल जाएगा बाइनेंस पे मिल जाएगा, Coinbase एक्सचेंज पे मिल जाएगा, होबी ग्लोबल पे मिल जाएगा, गेट आईयू पे मिल जाएगा, ज़्यादातर एक्सचेंज पे आपको ये मिल जाएगा, वजीर एक्स पे भी आपको ये देखने को मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसे बाय कर सकते हैं। चलिए अगले क्वाइन की बात करते हैं तो अगला क्वाइन जो है वो ओशियन प्रोटोकॉल है। ओशियन प्रोटोकॉल ये अभी इसका रेट जो चल रहा है $0.968 चल रहा है, इसे आप 0.80 से लेके अभी करंट रेट तक इसे आप बाय कर सकते हैं। और ये जो भी कॉइन मैं बता रहा हूँ सब वेब 3.0 के कॉइन हैं और 1D के चार्ट पे आप इसे 7D के चार्ट पे देख सकते हैं ये कहाँ तक गया था, 0.73 तक गया था, तो 8
तक आ सकता है लेकिन कम चांस है। वेट करके आप इसे बाय कर लीजिएगा, जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। और मार्केट रैंक देख सकते हैं 135 इसका मार्केट रैंक है। और मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप जो है इसका 58 करोड़ डॉलर है। चलिए इसे चेक कर लेते हैं ये कहां कहां पे आपको मिल जाएगा, किस एक्सचेंज पे। ये आपको बाइनेंस पे मिल जाएगा, बाइनेंस गेट आईयू अक्सर एक्सचेंज पे ये भी आपको देखने को मिल जाएगा, तो वहां से आप बाय कर सकते हैं जिस एक्सचेंज से आपको ठीक लगे। अगली क्वाइन की बात करें तो ये है द ग्राफ, इसका रेट अभी चल रहा है 0.7393 डॉलर, तो ये भी बाइंग जोन में है। इसे आप वेट करके थोड़ा नीचे भी बाइंग कर सकते हैं। और 7 डे का चार्ट देखते हैं, ये गया था नीचे कहाँ तक, 0.59 तक गया था, काफ़ी नीचे गया था, तो वेट कर सकते हैं, कुछ दिन वेट करके ले सकते हैं। नहीं जाता है नीचे तो नीचे जाके ले सकते हैं, नहीं तो अगर आपको लॉन्ग टाइम तक ख़रीदना है तो यहाँ पे भी बाइंग कर सकते हैं। और इसका मार्केट रैंक जो है वो 49 है। और मार्केट कैप की बात करें तो 3 अरब 48 करोड़ इसका मार्केट कैप है, तो काफ़ी पैसा यहाँ पे लगा हुआ है। और ये कहाँ कहाँ आपको मिल जाएगा, ये बाइनेंस पे मिल जाएगा, गेट आईयू पे मिल जाएगा, क्वाइन बेस एक्सचेंज पे मिल जाएगा, होबी ग्लोबल पे मिल जाएगा, कू क्वाइन पे मिल जाएगा, और भी क्वाइन एक्सचेंज पे मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप चेक कर लीजिएगा जो जो एक्सचेंज आपके पास है। और आगे हम बात करें ये क्वाइन की बात करें चैन लिंक, तो चैन लिंक भी अच्छे बाइंग जोन में है। ये अभी करीब करीब 1800 के आसपास चल रहा है और ये 2200-2400-2500 तक हमने इसे देखा है, रुपए में भाई बता रहा हूँ। और ये अभी डॉलर में चल रहा है 23 डॉलर 22 पॉइंट, तो इसे 20 डॉलर से लेके 22 डॉलर तक बाय कर सकते हैं। इस रेंज पे भी बाय करेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा, मार्केट जैसे ही बढ़ेगी ये भी क्वाइन अच्छा बढ़ जाएगा। मार्केट रैंक की बात करें तो 19 इसका मार्केट रैंक है। मार्केट कैप की बात करें तो 10 अरब 85 करोड़ इसका मार्केट कैप है। और कहां कहां ये मिल जाएगा, ये बाइनेंस पे, क्वाइन बेस, हुबी ग्लोबल, गेट आईयू, एफटीएक्स, कू क्वाइन, ज़्यादातर एक्सचेंज पे ये भी आपको क्वाइन मिल जाएगा। तो ये 5 ऐसे क्वाइन थे जो आपकी रेंज बाइंग जोन में हैं, जिसे आप बाय कर सकते हैं, जिसे आप लंबे टाइम तक होल्ड करके एक अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ये सारे क्वाइन जो है वो वेब 3.0 में ये काम कर रहे हैं, तो इन क्वाइन से बहुत ज़्यादा अच्छे रिटर्न मिलने की उम्मीद है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये क्वाइन जो है पसंद आए होंगे और वीडियो भी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।